हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं विशाल, आप सबका स्वागत करता हूँ अभी के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो ऐप है काफ़ी अमेजिंग है। सबसे पहले आज की ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की ऐप के बहुत ही यूजेज हैं, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। सबसे पहले आज की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपका कोई डेटा चला गया है, आपको वो डेटा वापस चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे कोई रिसाइकल बिन तो होता नहीं है डेस्कटॉप की तरह, जो आप रिसाइकल बिन से डेटा निकाल लेंगे जैसे कि डेस्कटॉप में होता है, लेकिन ये ऐप रिसाइकल बिन की तरह काम करेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आप अपना पुराना डेटा निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये जितने भी चीज़ें होंगी आपके वीडियोस वगैरह भी निकाल देता है और फोटो वगैरह भी निकाल देता है। ओके दोस्तों, बहुत अमेजिंग है ये ऐप, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो। बहुत सारे लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं, बहुत ट्रस्टेबल ऐप है ये। ओके दोस्तों, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं इसके गूगल पे। ओके दोस्तों, तो लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, सबके लिए इजी टू यूज़ है। तो अगर ये ऐप ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी ऐप के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।